गाइज, इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आप लोग को डाउट रहे स्विच के स्टेटमेंट में, तो स्विच के स्टेटमेंट्स को समझने के लिए इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट देखना। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए पूरी कोशिश करूँगा कि स्विच के स्टेटमेंट्स में आपको कभी लाइफ में डाउट नहीं आए। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना स्विच के स्टेटमेंट। अब ये स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, तो चलो यहाँ पर मैं आप लोग को सही से बताता हूँ स्विच के स्टेटमेंट के बारे में। मैंने आप लोग को इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बताया, और इफ एल्स स्टेटमेंट्स काफ़ी इजी थे और आप लोगों को समझ में आया कि क्या होते हैं, मैंने आप लोग का फीडबैक देखा। अब स्विच के स्टेटमेंट ऑल्टरनेटिव होते हैं हमारे इफ एल्स लैडर स्टेटमेंट में, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सारा का सारा कन्वीनियंस के ऊपर आ जाता है कि आपको इफ कब यूज़ करना है और आपको स्विच कब यूज़ करना है, ये मैं आप लोग को इसी वीडियो में बताऊँगा। लेकिन स्विच होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर है क्या कि आप लोग क्या करते हैं, इसका सिंटैक्स से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो मैं इसके सिंटैक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लिखते हैं स्विच, ये स्मॉल है, पूरा का पूरा लोअर केस में, मैं डायरेक्टली सी का सिंटैक्स लिख रहा हूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये सिंटैक्स क्या है। तो मान लो मैंने यहाँ पर एक इंट ए इज इक्वल टू टू, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा, उसके बाद मैंने लिखा स्विच ए, यहाँ पर एक वेरिएबल आता है। उसके बाद क्या होता है कि एक कर्ली ब्रेस खुलता है, मैंने बोला स्विच ए, यानी कि अब हम ए वेरिएबल की बात कर रहे हैं, अब जो काम हम करेंगे वो ए वेरिएबल के लिए करेंगे। तो मैंने बोला स्विच ए, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब मैं इसके बाद इसकी वैल्यूज़ के बारे में बात करूँगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा केस, और मैं लिखूँगा कि अगर इसकी वैल्यू बराबर हो मान लो दो के, यानी कि केस टू, अगर इसकी वैल्यू टू के बराबर हो तो कर दो प्रिंट एफ और लिख दो यहाँ पर वैल्यू इज टू, ठीक है। लेकिन लेकिन हो सकता है कि उसकी वैल्यू थ्री है, तो आप लोग क्या करोगे, केस थ्री लिख दोगे, ठीक है, और यहाँ पर प्रिंट एफ लिख दोगे क्या, यहाँ पर आप प्रिंट एफ लिख दोगे, और यहाँ पर आप लिख दोगे क्या, वैल्यू इज थ्री। तो आप लोग कुछ ऐसे लिख दोगे वैल्यू इज, और आप यहाँ पर लिख दोगे थ्री। तो ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है स्विच के स्टेटमेंट का, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ क्या है, हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट डायरेक्टली क्यों नहीं यूज़ कर सकते। अब आप लोग ज़रा ये सोचो कि अगर आप इसके बदले इफ एल्स स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करोगे तब क्या होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए आप लोग क्या करें कि आप लोग इसका जो ऑल्टरनेटिव, इसके बदले का जो इफ स्टेटमेंट है, उसको अगर आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे, अगर उसके बदले में आप लोग इफ कोड यूजिंग इफ, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कोड यूजिंग इफ, अगर आप लोग लिखेंगे कि इसी चीज़ को अगर आप इफ स्टेटमेंट से लिखना चाहें, तो आप लोग देखेंगे कि कोड जो है बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्विच स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट का यूज़ यहाँ पर सिंपली हमारा कन्वीनियंस है, तो ये एक कन्वीनियंस फंक्शन होता है, इसके बिना भी काम हो सकता है। अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या होता है कि जब हम यहाँ पर स्विच ए लिखते हैं, अब की वैल्यू टू हो गई, तो ये चेक करेगा क्या केस टू था, क्या केस थ्री था। अच्छा, इसमें एक डिफॉल्ट भी होता है, वो भी मैं आप लोग को बता देता हूं। तो एक डिफॉल्ट भी होता है, और डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, ये कोड तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई भी केस मैच नहीं हुआ। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रिंट एफ, और मैं यहां पर लिखता हूं नथिंग मैच्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भी मैच नहीं हो पाया, और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि कुछ मैच नहीं हुआ, इसलिए हम लोग डिफॉल्ट ये प्रिंट कर रहे हैं। तो ये हम लोग आराम से इसको इजीली इस सिंटैक्स को यूज़ कर सकते हैं स्विच केस के। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लो इसने ये चेक किया, मैंने जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो सी का सिंटैक्स है, ठीक है, जो भी मैंने लिखा हुआ है ब्लैक से। मैं अब रेड पेन ले रहा हूँ, और रेड पेन से मैं आप लोग को इस कोड को समझाता हूँ। ये तो आप लोग को मालूम ही है कि हमने ए इज इक्वल टू टू एक वेरिएबल लिया। अब ये चीज़ जो है, ये स्कैन एफ से भी मैं ले सकता था इसकी वैल्यू टू, ए की वैल्यू मैं टू स्कैन एफ से भी ले सकता था। और जनरली क्या होता है कि हम स्कैन एफ से ही लेते हैं, ये टू हमें पता नहीं होगा कि टू है, ये कहीं से यूज़र का इनपुट आएगा, और उसके बाद हम कहेंगे कि यूज़र ने जो इनपुट किया उसके लिए हम एक स्विच स्टेटमेंट को रन कर रहे हैं। और अगर इसकी वैल्यू टू है तब हम ये रन करेंगे, इसकी वैल्यू थ्री है तो हम ये रन करेंगे, इसकी वैल्यू अगर कुछ मैच नहीं हुई ऊपर वाले केसेस में तब हम ये रन करेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम केस टू को रन करते हैं तो ये क्या करता है, बार 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 नीचे जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है। तो ये इस स्विच वाले जो स्टेटमेंट है इसको एग्जिट मार दे, मैं यहाँ पर ब्रेक लिख दूंगा, तो मैं यहाँ पर ब्रेक लिख दूंगा, ये सी का सिंटैक्स है। तो मैं ब्रेक यहाँ पर अगर लिख दूंगा तो क्या होगा कि ये केस टू को चेक करने के बाद केस थ्री में नहीं जाएगा, और इसके बाद जितने केसेस हैं उनमें नहीं जाएगा, ये डायरेक्टली डिफॉल्ट में भी नहीं जाएगा, ये यहीं ब्रेक हो जाएगा, और सीधे ये जो स्विच मेरा स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो रहा है। मैंने थोड़ी सिंटैक्स मिस्टेक की हुई है, मैं इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, मैंने कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया था, और ये भी मैं ब्लैक से लिख देता हूँ ब्रेक। तो ये जो ब्रेक है ये मेरा सी का कोड है, तो मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ। अब मैं रेड पेन ले लेता हूँ वापस से, उससे क्या होगा कि यहाँ पर मैं आप लोगों को बता पाऊँगा क्या सिंटैक्स है। एनीवेज, तो मेरा ये क्या होगा कि जैसे ही ब्रेक ये देखेगा ये क्या करेगा, सीधे यहाँ से बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और यहाँ पर जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा ये, तो ये नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट करेगा। अब हम बात करते हैं कुछ नियमों की जो कि हमें स्विच के स्टेटमेंट्स को यूज़ करते टाइम पता होने चाहिए, और वो नियम हमारे क्या हैं।
वो नियम हमारी ये है कि सबसे पहले तो जो स्विच का एक्सप्रेशन है वो या तो एक इंटीजर हो या कैरेक्टर हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिखता हूँ रूल्स फॉर स्विच स्टेटमेंट। अब क्या रूल होगा हमारा स्विच स्टेटमेंट का? पहला रूल की बात करते हैं। पहला रूल ये होगा कि जो एक्सप्रेशन है, जो हमारा स्विच का एक्सप्रेशन है, वो या तो क्या होगा, वो या तो एक इंट होगा या एक कैरेक्टर होगा। तो मैं लिख देता हूँ मस्ट बी एन इंट और कैर, ठीक है? तो या तो एक इंट होगा या एक कैर होगा, ठीक है? अब दूसरा रूल की बात करते हैं। जो दूसरा रूल है वो हमारा ये है कि जो केस की वैल्यू है वो या तो इंट होगी या कैर होगी। तो मैं लिख देता हूँ केस वैल्यू मस्ट बी एन इंटीजर और अ कैरेक्टर, या तो एक इंटीजर होगी या एक कैरेक्टर होगी, ठीक है? उसी के साथ साथ जो तीसरा नियम होता है हमारा वो ये होता है कि जो केस होता है वो स्विच के अंदर ही आएगा। केस मस्ट कम इनसाइड स्विच। तो ये तो हमने बेसिक सिंटैक्स में देखा ही था, तो इसमें ज़्यादा कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी एज अ पार्ट ऑफ रूल्स मैं आप लोग को ही बताना चाहता हूँ। और उसके बाद क्या होगा कि जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो मस्ट नहीं है। अब क्या होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेक लगता है हमेशा स्विच में, तो ब्रेक इज़ नॉट अ मस्ट। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया ब्रेक इज़ नॉट अ मस्ट। जो ब्रेक है हमारा वो ज़रूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पर ये ब्रेक नहीं भी लिखेंगे तो क्या होगा, ये सारे केसेस को चेक करता जाएगा और डिफ़ॉल्ट को भी प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पे ब्रेक लगाया तो यहीं से ये एग्जिट होकर सीधा बाहर आएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका केस मैच हो और वो कोड को रन करे और सीधा बाहर आ जाए, तब आप यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि वो सारे केसेस को फिर से चेक करे और डिफ़ॉल्ट को भी प्रिंट करे, तब आप लोग ब्रेक मत लगाइए। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो मैं आशा करता हूँ कि जो सिंटेक्स वाला पार्ट है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें इसमें वैलिड और इनवैलिड स्विचेस हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा आप लोग को वैलिड स्विच और इनवैलिड स्विच। सो गाइस, अगर मैंने यहाँ पर लिखा इंट एक्स, ठीक है, मैंने एक इंटीजर डिफाइन कर दिया जिसका नाम एक्स है, तो मैंने इंट एक्स लिखा, सेमीकोलन लगाया। अब अगर मैं स्विच के अंदर अपने एक्स लिख देता हूँ, तब क्या होगा, ये एक वैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है? और इसके अंदर मैं जो भी केसेस हैं वो लिखूँगा और कोड लिखूँगा, ठीक है? तो मैं यहाँ पर केसेस और कोड लिखूँगा। लेकिन उसी के साथ साथ ये तो बिल्कुल सही है हमारा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर फ्लोट एक्स लिख दूँ और उसके बाद स्विच एक्स लिखूँ तो ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि एक्स जो है वो एक इंटीजर या एक कैरेक्टर हो सकता है, तो ये एक इनवैलिड स्विच हो जाएगा, ठीक है? तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे स्विच स्टेटमेंट का और ये देखेंगे कि इसका फ्लो चार्ट कैसा दिखता है, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा कोड लिखेंगे और समझेंगे कोड में कि हमारा स्विच के स्टेटमेंट किस तरह दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्लो चार्ट फॉर स्विच के स्टेटमेंट्स, ठीक है? तो हमारा जो फ्लो चार्ट है वो हमको अभी बनाना है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हुआ कि मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक एक्सप्रेशन होता है हमारा, ठीक है? तो हमारा एक एक्सप्रेशन होता है, ये हमारा हमको एज एन इनपुट मिलता है, और हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को एक एक करके चेक करना पड़ता है कि क्या ये केस वन में फॉल्स कर रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, लेकिन नॉट एग्जैक्टली एन इफ स्टेटमेंट। तो क्या होता है कि ये केस अगर वन है हमारा, तब अगर ये मैच होता है तब क्या होगा, हमारा जो स्टेटमेंट वन है जो कि हमारा केस के अंदर है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टेटमेंट वन मैंने यहाँ पे लिख दिया, और उसके बाद अगर आप लोगों ने ब्रेक लगाया हुआ है तो वो लग जाता है, ठीक है? तो हमारा मैच हुआ तो स्टेटमेंट वन मैंने यहाँ पर लिख दिया और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ब्रेक लिख दिया, ठीक है? और अगर यहाँ पर मेरा ब्रेक होता ये, ठीक है, बाय एनी चांस अगर मैंने इसको ब्रेक किया, तब क्या करूँगा, मैं सीधे के सीधे मैं बाहर आ जाऊँगा अपने स्विच के। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आउटसाइड स्विच, ठीक है? तो मैं अपने स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाऊँगा। ये सारी चीज़ें कोड में भी आप लोग को बताने वाला हूँ, तो आप लोग अभी सिर्फ थ्योरी सुन लो और उसके बाद मैं आप लोग को कोड दिखाऊँगा, ठीक है? और उसके बाद इसी के साथ साथ क्या होता है, अगर केस मैच नहीं करता है वन, तो ये क्या करता है, ये हमारा केस टू को मिलाता है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर स्टेटमेंट टू आता है। मैं ज़रा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है ब्रेक आ जाता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर ब्रेक लिखूँगा और उसी के बाद क्या होगा, यहाँ पर ये आउटसाइड स्विच आ जाएगा, ठीक है? तो ये मैच था हमारा और यहाँ पर मैं अनमैच लिखूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर उसी के साथ साथ ये जो साइकिल है वो चलती चली जाएगी और फाइनली हमारा डिफ़ॉल्ट आएगा, और डिफ़ॉल्ट जो है हमारा वो क्या होगा,
वो उसको चलना ही चलना है, ठीक है, कुछ भी हो जाए उसको चलना ही चलना है। तो मैं यहाँ पर स्टेटमेंट एन लिख देता हूँ जो कि हमारे डिफ़ॉल्ट के अंदर है, और उसके बाद ये क्या करेगा, एग्जिट ले लेगा हमारा आउटसाइड स्विच, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक फ्लो चार्ट, थोड़ा सा आप इसको अच्छे से बनाइए अपनी कॉपी में, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैच, यहाँ पर भी मैच, और यहाँ पर भी मैच, ठीक है। तो अब क्या है कि आप लोग को मैंने ये फ्लो चार्ट दिखाया, आप लोग को बताया स्विच क्या होता है, अब हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और वहाँ पर प्रोग्रामिंग करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ ये स्विच स्टेटमेंट किस तरह काम करते हैं, और जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो किस तरह फंक्शन करता है। तो स्विच स्टेटमेंट का हम लोग एक प्रोग्राम भी लिखेंगे बहुत अच्छा, और उसके बाद हम लोग एक नेस्टेड स्विच का केस भी देखेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सो गाइस, मैं अब आ चुका हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्यूटोरियल 11.c के नाम से एक फाइल बना लूँगा। तो ट्यूटोरियल 11.c के नाम से मैंने यहाँ पर एक फाइल बना ली है, और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, अपने main.c का कोड है वो यहाँ पर कॉपी कर दूँगा। तो ट्यूटोरियल 11.c मैंने बना लिया है, और मैं main.c का कोड मैंने यहाँ पर जो है कॉपी कर दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली यूज़र से इनपुट लूँगा, मैं उसको बोलूँगा कि एंटर योर एज। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा एंटर योर एज, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, scanf फंक्शन का यूज़ करूँगा, और मैं बोलूँगा scanf परसेंटेज डी, और उसके बाद क्या करूँगा, उसकी जो एज है वो मैं ले लूँगा, तो m परसेंट एज, और उसी के साथ साथ सेमी कॉलन लगाना बहुत ज़रूरी है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। और उसी के साथ साथ वेरिएबल को भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा int एज। अब क्या होगा कि एज में जो भी यूज़र ने एंटर किया है वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बेसिक स्विच का आप लोग को लिख के दिखाता हूँ। मैंने स्विच लिख के जैसे एंटर मारा, देखो मेरा इंटेलिजेंस यहाँ पर इन्वोक हो गया, और मेरे विजुअल स्टूडियो कोड ने क्या किया, मुझे इंटेलिजेंस मतलब इतना इंटेलिजेंट है कि इसने क्या किया, मुझे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे दिया। अब मैं एक्सप्रेशन की जगह लिख दूंगा एज, फिर मैं टैब दबाऊंगा, ध्यान रखना आप लोग टैब दबाएं, टैब दबाया तो आप केस के यहाँ पर आ गए। अब आपको क्या करना है, केस मुझे क्या करना है, मुझे केस 3 लिखना है, ठीक है, और फिर टैब दबाएंगे तो यहाँ पर कोड आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप प्रिंट एफ लिख दें, बोलें दी एज इज़ 3, ठीक है, बहुत सिंपल कोड लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं। और उसके बाद आप लोग सेमी कॉलन लगा दें, फिर से आप लोग टैब दबाएं, और आप बाहर आ चुके हैं स्विच के, ठीक है। तो आपने एक केस लिखा और आप लोग यहाँ स्विच के बाहर आ चुके हैं। अब ये जो पूरा लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 17 तक है, ये आप लोग मैनुअली भी कॉपी कर सकते थे, और आप लोग मैनुअली टाइप करके इसको लिख सकते थे, लेकिन अभी क्या है कि मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड की इंटेलिजेंस की मदद से लिख दिया, ठीक है। तो चलो ये तो ठीक है। तो यहाँ पर केस 3 है, एज की वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो एज इज़ 3, और मैं मान लो मुझे सिर्फ 3 एज चेक करनी है कि कहीं एज 3 तो नहीं है, कहीं एज मेरी 13 तो नहीं है, और मेरी एज जो है वो 23 तो नहीं है। तो मान लेते हैं मुझे 3 वैल्यूज़ चेक करनी है, और अगर ये है, ये 3 एज हैं, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ उसके बाद कि एज इज़ नॉट, एज इज़ नॉट 3, 13 और 23, तो इन तीनों में से नहीं है। तो अगर ये इन तीनों में से होगी तब क्या होगा, यहाँ पर मुझे या तो ये एग्जीक्यूट होगा, या ये एग्जीक्यूट होगा, या ये एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 23, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 13, और मैं इसको रन कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक्टिवेटिंग एक्सटेंशन दिखा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये एक्टिवेट कर रहा है मेरी एक्सटेंशन को, और उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली रन कर देता है मेरे कोड को। ये मुझसे पूछ रहा है एज एंटर करो, मान लो मैंने 66 एंटर करी, और ये देखो ये कह रहा है एज इज़ नॉट 3, 13 और 23। वापस से रन करता हूँ उसको, और इस बार मैं 23 डालूंगा, और ये बोलेगा एज इज 23। मान लो यहाँ पर ब्रेक नहीं होता, मैंने नहीं लगाया होता ब्रेक यहाँ पर, तब क्या होता, तब मैं अगर 23 डालूंगा तो ये कहेगा एज इज 23, एज इज नॉट 3, 13 और 23। तो क्या हुआ, ये ब्रेक होके बाहर नहीं आया, इसने क्या किया, ये चेक किया, और उसके बाद इसने क्या किया, सीधे डिफॉल्ट को प्रिंट कर दिया। तो अगर आप चाहते हो कि आपका डिफॉल्ट प्रिंट हो, तब आप ब्रेक मत लगाओ, वरना क्या करो, आप ब्रेक लगा दो। अब जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ ना करने से आगे के जितने भी केस हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो चलो ये भी चीज़ देख लेते हैं एक बार। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऑल्ट दबा के सारे जितने भी मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ लगाए हुए हैं उन सबको सेलेक्ट करूँगा, और ऑल्ट दबाने से क्या होता है, ऑल्ट दबाने से सिंपली मेरा जो विजुअल स्टूडियो कोड का ये जो मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने ऑल्ट दबाया, और जहाँ जहाँ मुझे कर्सर चाहिए मैंने वहाँ क्लिक कर दिया, और उसके बाद मैंने बैक स्लैश एन दबा दिया, और फिर कहीं पे भी क्लिक कर दिया और ये चले गए। कंट्रोल एस से मैं इसको सेव कर देता हूँ। मान लो मैं ये 3 वाली जगह ब्रेक नहीं लगाता, ठीक है, कमेंट आउट करने का मतलब है मैंने नहीं लिखा है उसको, ठीक है, मैं कमेंट आउट इसलिए कर रहा हूँ, और कंट्रोल स्लैश दबा के कमेंट आउट कर रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कंट्रोल प्लस स्लैश, ठीक है। इसको रन करता हूँ, और जैसे मैंने इसको रन किया मैं इस बार 3 कर दूंगा, जैसे मैं 3 लिखूंगा इसके बाद के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखो क्या हुआ, इसने बोला दी एज इज 3, फिर क्या हुआ उसके बाद दी एज इज 13, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे ब्रेक था इसलिए ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अगर यहाँ पे भी ब्रेक नहीं होता
तब क्या होता, तब मैं थ्री लिख के आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे थ्री लिखा तो ये देखो थ्री भी आ गया, थर्टीन भी आ गया, ट्वेंटी थ्री भी आ गया। ट्वेंटी थ्री वाले के बाद वाले क्यों नहीं आया, क्योंकि ट्वेंटी थ्री में ब्रेक था। मैंने मान लो मैंने इसको कमेंट आउट किया और इसके बाद मैं इसको रन करूँ और इस बार वापस से थ्री करूँ, तो ये देखो एज इज़ नॉट थ्री, थर्टी नॉट ट्वेंटी थ्री भी आ गया। और डिफॉल्ट में आप लोग को ब्रेक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लगाएंगे तो रिडंडेंट रहेगा, आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में अगर आप लोग ब्रेक लगाते हैं तो वो रिडंडेंट होता है, क्योंकि वहाँ तो वैसे भी एंड हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो इसका आइडियल यूजेज होता है उसमें ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो लगा हुआ होता है, तो इसलिए मैं इसमें ब्रेक वापस से लगा दूंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। तो केस अब क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एज जो भी है उसकी एक वैल्यू होगी, ठीक है, या ये होगी या ये होगी या ये होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर ये वैल्यू है मान लो एज की तो ये हो जाए या ये हो जाए, क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी है और आप रिपीट तो कर नहीं रहे हो केस को, ठीक है। तो क्या होगा कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा अगर ब्रेक नहीं है तो। कभी कभी ये काम में भी आ जाती हैं ये चीज़ें, तो ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही ब्रेक लगाना है। तो कभी कभी आप चाहते हैं कि अगर थ्री ना हो तो अगर थ्री वाला केस मैच हो जाए तो उसके बाद वाले सारे केसेस रन कर दो, या फिर एक गिवन सेट तक, सेट ऑफ केसेस तक रन करो, तो वहाँ पर आप ब्रेक नहीं लगाओगे। तो जहाँ इसको ब्रेक मिला वहाँ पर ये टूट के, ब्रेक का मतलब क्या है, तोड़ दो, तोड़ के बाहर निकल जाओ, जेल तोड़ के बाहर निकल जाओ, तो स्विच स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा ये, जहाँ पर आपने ब्रेक लगा दिया। तो ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट। अब एक सिंपल सा केस आपको दिखाता हूँ नेस्टेड स्विच का, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैं एज के साथ साथ मार्क्स भी एंटर करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एज, मैंने यहाँ पर इंट एज किया, मैं एक इंट मार्क्स भी लिख दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मार्क्स, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर मार्क्स, और मार्क्स को ऑब्वियसली हमको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा मार्क्स, ठीक है। अब मान लो किसी की एज थ्री है, तब एंटर योर मार्क्स भी पूछेगा ये, दी एज इज थ्री एंटर योर मार्क्स, ठीक है, एंटर योर मार्क्स, और सॉरी दी एज इज थ्री, और उसके बाद क्या होगा, मार्क्स तो मैंने ऑलरेडी एंटर करा दिए, अब मैं मार्क्स चेक करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्क्स और उसके बाद टैब दबाऊँगा, केस अगर मार्क्स उसके 45 हैं तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट एफ, और उसके बाद लिख दूंगा योर मार्क्स आर 45, और डिफ़ॉल्ट पे मैं क्या लिखूँगा, लिख दूंगा योर मार्क्स आर नॉट 45। तो मैं लिख देता हूँ योर मार्क्स आर नॉट 45, ठीक है, मार्क्स। कंट्रोल एस एस को सेव किया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, और इसको रन करता हूँ और कोई एरर ना मिले। देखो मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा है, मुझे काफ़ी खुशी होती है। तो एंटर योर एज में मैं क्या करूँगा, थ्री कर दूंगा, और मार्क्स में मैं 45 कर देता हूँ। तो ये बोल रहा है योर एज इज़ थ्री, योर मार्क्स आर 45, ठीक है। तो क्या होगा, ये योर मार्क्स आर 45 होगी, ये इस वाले स्विच से ब्रेक हो जाएगा। तो स्विच के अंदर भी स्विच डाला जा सकता है, ये मतलब है मेरा बताने का आप लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने भी यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देखा। तो ये यहाँ पर ये वाला जो ब्रेक है ये सिर्फ इस स्विच स्टेटमेंट से ब्रेक करेगा, यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकाल देगा जितना मैंने सेलेक्ट किया वहाँ से, और इसको बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग ये मत समझना कि ये बाहर वाले स्विच से भी निकाल देगा, ये सिर्फ अपने स्विच में से निकालेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि एकदम क्लियर होगा, आप लोग को समझ में आया होगा स्विच स्टेटमेंट का प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग नीचे एक कमेंट में मुझे स्विच का छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाओ, उससे क्या होगा, हम दोनों के बीच में इंटरेक्शन बना रहेगा, और मैं आपके प्रोग्राम्स देख के आप लोग को हर्ट दूंगा अगर मुझे अच्छा लगा तो, और अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं आपको कमेंट दूंगा कि क्या आप लोग उसको किस, आप लोग उसमें क्या कर सकते हैं। एक लॉजिकल सा प्रोग्राम बनाना जो कि सेंस भी बनाए। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग नीचे अपना कमेंट पोस्ट ज़रूर करेंगे। सो अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह शेयर करें इस पूरी ट्यूटोरियल सीरीज़ को। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा किस तरह हमारे दो स्विच स्टेटमेंट इंडिपेंडेंटली यहाँ पर काम कर रहे हैं, और आप लोग इसको रन करें, थोड़ा सा प्ले अराउंड करें। कभी भी आप लोग को कुछ समझ में नहीं आए, आप लोग को कोई सवाल आता है कि यार अगर यहाँ पर मार्क्स को मैं कैरेक्टर कर देता तो क्या होता, तो आप लोग सवाल पूछने से अच्छा आप उसको करके देख लें एक बार, और आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि क्या होता। सो अभी के लिए यार इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।